my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑडी Q3 के बारे में। आप लोग रोड पे जो इसको बहुत देखते हो, लेकिन आप कुछ लोगों को जो है ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या फीचर आते हैं, क्या क्या इसमें जो है इतनी लग्जरी गाड़ी है, एडवांस में ऑप्शन क्या क्या आते हैं, कौन कौन से फीचर है जो बिल्कुल यूनिक हैं, कुछ चीज़ें हैं तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी की तो की इसके अंदर आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है, जो कि इसके अंदर आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपन का की मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल में जो आपको इसमें ऑडी की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर लाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर DRL मिल जाते हैं, और इसके अंदर जो फॉग लाइट है कुछ गाड़ियों में नीचे आता है लेकिन इसके अंदर ही फॉग लाइट दिए गए हैं LED प्रोजेक्टर के साथ में। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले टायर की बात करते हैं तो आपको 17 इंच के इसके अंदर आपको टायर मिल जाते हैं पावर स्टेयरिंग के साथ में। बैक प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है, आपने हमेशा देखते रहते होंगे ऑडी का जो है चार चूड़ियाँ बनी हुई है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे Q3 की बैजिंग मिल जाती है, और इस तरफ जो इसके रेड लाइट सब कुछ इसकी के अंदर दिया गया है, DRL भी इसी के अंदर है। यहाँ पे नीचे जो है सेंसर दिए गए हैं, सेंसर है दो उस तरफ है, दो उस तरफ है, दो बीच के अंदर चार सेंसर इसके अंदर मिल जाते हैं पीछे की तरफ। इसके अंदर पीछे की तरफ भी जो आपको वाइपर मिल जाता है जो कि पूरे बैक ग्लास को कवर कर लेता है। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तो इसमें डोर सेंसर आपको मिल जाता है, और गेट के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इसमें सारा कंट्रोल दिया गया है। ये आपको साइड ग्लास कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे जो है चारों गेट की जो है विंडो कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है। सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है। इस तरफ आपको जो सामने की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम शो होता है, यहाँ पे किलोमीटर शो होता है, और यहाँ पे ट्रिप वगैरह सब कुछ इसके अंदर शो होता है। इसके स्टीयरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑडी की बैजिंग मिल जाती है। मल्टी मीडिया फंक्शनल इसका पूरा स्टीयरिंग दिया गया है। एसी कंट्रोल आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से नीचे से इसको पूरा एसी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे यार ये लग्जरी गाड़ी है, तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले कहाँ भी कहीं भी शो नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं इसके अंदर हिडन डिस्प्ले आता है। यहाँ से जब इसको प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले शो होता है, और इसको हम वापस बंद भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं, इसका गियर सिस्टम ये जैसे कि ऑटोमेटिक है फुली, तो इसके अंदर ये गियर सिस्टम कैसे होता है काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे इसको अभी पार्किंग मोड पे यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर आपको रिवर्स मिल जाता है, न्यूट्रल मिल जाता है, और ड्राइविंग मोड मिल जाता है, एक स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। सबसे पहले अगर हम इसको चेंज करने होते हैं ना गियर, तो ये डायरेक्ट कभी चेंज नहीं होता, यहाँ से इस पे की दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस की को जो है प्रेस करने के बाद अगर इसको हम पीछे की तरफ करते हैं तभी ये जो है रिवर्स में आता है, तभी न्यूट्रल पे आता है, और तभी ड्राइविंग मोड और स्पोर्ट्स मोड पे आता है। और अगर इसको हम जो है बिना प्रेस किए अगर इसको करते हैं तो ये लॉक हो जाता है। जैसा अभी रिवर्स पे है तो ये रिवर्स अभी ये लॉक हो चुका है यहाँ से, और अगर इसको प्रेस करके फिर हम रिवर्स लेंगे या फिर पार्किंग मोड पे डालेंगे तो इसको प्रेस करने के बाद ही हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है बॉटल के लिए स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, इसके अंदर आपको पार्किंग का जो है की मिल जाती है, यहाँ पे जो आपको स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा, इसके अंदर आप अपना मोबाइल वगैरह भी रख सकते हैं। सनरूफ की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको काफी बड़ा सनरूफ मिल जाता है, यहाँ से इसको ओपन करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सनरूफ के नीचे ये जो लगा हुआ है ये मैट है, ये कोई हार्ड मटेरियल नहीं है, तो ये जो है पूरा उसमें कवर हो जाता है। यहाँ से इसको ओपन करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ओपन करके कुछ इस तरह से ये ओपन होता है। उसके बाद में जो है सनरूफ ओपन करने के लिए यहाँ से इसको प्रेस करना होता है। ये देख सकते हैं आपको इसके अंदर जो काफी बड़ा सनरूफ मिल जाता है, और इसको जो है हम यहाँ से इसको विंडो की तरह भी यूज कर सकते हैं, ऊपर से अगर हम इसको थोड़ा सा खोल के रख सकते हैं तो ऊपर विंडो की जैसे भी यूज कर सकते हैं, पूरा खोलते हैं तो कुछ इस तरह से ये जाता है। काफी बड़ा सनरूफ मिल जाता है इसके अंदर आपको और गाड़ियों की तुलना में। वापस इसको बंद कर देते हैं, दोनों को एक साथ भी बंद कर सकते हैं, मैट को भी और सनरूफ को एक साथ बंद कर सकते हैं। अब एक बार मैं आपको इसके लाइट के बारे में बताऊंगा, लग्जरी गाड़ी है तो सिस्टम भी इसमें ऑब्वियसली बात है अलग अलग देंगे आपको। इसमें साइड में देखो तीन लाइटें मिल जाती हैं इसके, एक साइड में, इस साइड में जो अलग अलग लाइट मिल जाती है, यहाँ पे ये वाली अलग लाइट मिल जाती है, बीच में जो अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो इसको ऑफ ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। ये अलग अलग लाइट है, इन्हें हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रोल रहता है इनका। अब पीछे की तरफ देखते हैं पीछे क्या क्या दिया गया है।
पीछे की तरफ यहाँ पे आपको जो है एसी मिल जाते हैं। और इसमें एयरबैग की बात करें तो आगे के दो एयरबैग आगे दे रखे हैं और पीछे के एयरबैग है ना जो इन सीटों में यहाँ पीछे की तरफ ही आते हैं, दोनों सीटों में एयरबैग आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे पीछे की तरफ देखते ना तो यहाँ पे इसमें जो आपको एग्जॉस्टर भी मिल जाता है और इसके लाइटिंग वही से अभी जो आगे था वैसा ही सिस्टम पीछे भी है। इसमें साइड की अलग अलग लाइट दे रखी है दोनों। और आपको यहाँ पे गेट पे जो है विंडो को ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे आपको काफी स्पेस भी मिल जाता है। कंफर्टेबल की बात करें तो इसकी सीटें काफी ज्यादा कंफर्टेबल है भाई, लग्जरी गाड़ी है तो ऑब्वियसली बात है सीटें काफी कंफर्टेबल होंगी। स्पेस भी आपको काफी ज्यादा मिल जाता है, यहाँ पे जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो मेरे सामने काफी स्पेस अभी भी बच रहा है, तो मतलब बहुत कंफर्टेबल है गाड़ी भाई। इतने पैसे लग रहे हैं तो कंफर्टेबल तो होगी। अब एक बार मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, इसके अंदर जो आपको काफी ज्यादा बूट स्पेस मिल जाता है और इसकी स्टेपनी जो है इसी के अंदर मिल जाती है आपको। यहाँ पे इसकी स्टेपनी मिल जाती है नीचे की तरफ और यहाँ पे जो आपको इसमें एक लाइट भी मिल जाती है अगर रात के टाइम पे आप खुलते हैं तो। और इस तरफ साइड में जो आप इसमें कुछ टूल्स वगैरह भी रख सकते हैं, यहाँ से ये खुलता है। तो ये था इसका डिटेल वीडियो जो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई गाड़ी के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।